नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में राष्ट्रीय सद्भावना मंच कैथल द्वारा कैथल के पिहोवा चौक पर जागरूकता सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और देशभक्ति के स्लोगन लिखी पट्टिकाएं ली हुई थी। जागरूकता सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। जागरूकता सभा को कैथल के विधायक लीला राम, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर और हिंदू विश्व परिषद के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी मित्तल ने संबोधित किया। इसके पश्चात सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता ने नारेबाजी करते हुए पिहोवा से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च यात्रा की। जागरूकता सभा का समाधित करते हुए कैथल के विधायक लीला राम ने कहा कि यह मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान नहीं है, यह नेहरू और गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं है, और आज का हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हिंदुस्तान है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कुछ लोग धमकियां देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी का इशारा हो गया तो एक घंटे के अंदर सर्व कर दिया जाएगा। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता संशोधन बिल पड़ोसी देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए है, जो वहां के अत्याचार सहन कर रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम रहा है। जो गलतियाँ नेहरू के समय में हुई थी उन्हें अब सुधारा जा रहा है, परंतु विपक्ष लोगों को गुमराह करके देश में दंगा करवाने व अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। इस बिल को जानने के लिए सबसे पहले इसको पढ़ना होगा, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया व अन्य साधनों से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। समूह एकत्रित हुआ है, विशेष रूप से नागरिकता संशोधन जो कानून जो गवर्नमेंट या भारत सरकार लाई है उसके समर्थन में है। ये चारों ओर जो आगजनी हो रही है, जो चारों ओर जो इस प्रकार से और बसों को फूंका जा रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति की जो हानि की जा रही है, उसका नुकसान जो करा जा रहा है, या एक और मुस्लिम समाज को बरगलाया जा रहा है, वास्तव में उसका नागरिकता संशोधन इस विधेयक या कानून से कोई संबंध नहीं है। ये किसी को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, ये हमारे यहाँ पर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है। जो बाहर से आने वाले हैं, जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से, जो हिंदू हैं, शरणार्थी हैं, उनके लिए नागरिकता का कानून है। फिर हम भयभीत क्यों हों? फिर मुस्लिम जगह जो भयभीत क्यों हों? तो ये जो है, और फिर जो विरोधी पार्टियां हैं जो निरंतर बरगला रही हैं कि NRC और NAA दोनों इकट्ठे हैं, एक हैं, दोनों में दोनों में घालमेल उन्होंने कर दिया है, ये वास्तव में सारग यह बरगलाने की बात है। इसलिए बरगलाने की बात है कि NRC एक प्रक्रिया है और NAA कानून है, वो कानून बन चुका है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए है। हिंदू वहाँ से प्रताड़ित होकर के और कहाँ जाएगा यदि हिंदुस्तान में नहीं आया? 72 साल से निरंतर उनकी प्रताड़ना हो रही है, धार्मिक दृष्टि से भी जो है, नौकरियों की दृष्टि से भी है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत जो है उनको जो है वहाँ पर जो है वो खराब की जा रही है। तो उन सब के और उद्धार के लिए कह लीजिए और मानवतावादी दृष्टि को लेकर के ये कानून जो है आया है, तो इसलिए कानून का स्वागत जो है वो होना चाहिए। इसके पीछे मानवतावादी दृष्टि है, इसलिए ये कानून जो है वो लाया गया है और उसके समर्थन में ये जनसमूह जो है सारा एकत्रित हुआ है। जाति विशेष के द्वारा जो पूरे राजनीतिक पार्टियां जो है उसको बरगला रही है, सीनियर CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक जो देश की नागरिकता के लिए जो संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है उसको जो है जाति विशेष के द्वारा बरगलाया जा रहा है। पिछले 70 वर्षों से हिंदुओं का जो बहिष्कार हो रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और जब वो शरणार्थी बनकर के हमारे हिंदुस्तान में आए हुए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ यही बात कही कि वर्ष 2014 से पहले जो भी हिंदू यहाँ पर आए हुए हैं, शरणार्थी हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, कोई भी हैं, सन 2014 से पहले जो भी हिंदुस्तान में आए हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद जो आएंगे उनको बाकायदा उनके कागज़ वगैरह देख करके नागरिकता दी जाएगी। संशोधन बिल लाया गया है, ये जो है समाज के लिए बहुत ही उत्तम है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियाँ इसका जो है नजायज लाभ उठा रही हैं, क्योंकि वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति के कारण ही जो है ना ये लोग सारे भी विपक्ष जो है इकट्ठा होके इस देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
ना कि ये देश हिंदुओं का देश है, ये सभी जातियों का देश है। इस देश के अंदर सब जातियों को जो है समान नागरिकता मिलती है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां जो है इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और इस देश को जो है बंटवारे की तरफ जा रही है, और ख़ास तौर पे एक विशेष समुदाय के लिए जो ये राजनीति की जा रही है ये अच्छी नहीं है। हम जो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम इसीलिए कर रहे हैं कि नागरिक संशोधन बिल जो आया है ये बिल्कुल बढ़िया है, उचित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ कर इस बिल को पास कराया है, इसके लिए ही हम लोग ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। संशोधन बिल जो लाया गया है साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की है, हिंदुस्तान को दिशा देने की बात की है। साथियों इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि हमें हिंदुस्तान से निकालने की साजिश की जा रही है, परंतु इस संशोधन में ऐसा, इस बिल में, इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जो साथियों सीमा लांघ करके हिंदुस्तान के अंदर गलत तरीके से घुसे हैं, उन लोगों को बाहर करने का रास्ता जरूर इसमें दिखाया गया। परंतु मैं आज इस कैथल की भीड़ के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं साथियों, उन भाइयों को भी, कि ये आज मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान नहीं है, आज ये जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, आज ये गांधी वाला नहीं है, आज साथियों हिंदुस्तान है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आज हिंदुस्तान है साथियों अमित शाह जी का। साथियों उन आदमियों को मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि वो आपने देखा होगा हर रोज टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आते हैं दो चार टुच्चे टुच्चे लोग, धमकी देने का काम करते हैं। मियां जी अब ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी का है, अगर इशारा हो गया ना एक घंटे के अंदर सफाई कर देंगे, आपकी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसलिए साथियों आज सभी हिंदू भाइयों को, भारतीयों को कहूँगा मैं, उसमें मुस्लिम भी आता है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सभी हिंदुस्तानियों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और ये जो असामाजिक तत्व बाढ़ फांद करके अंदर आए हैं साथियों, उनको सफाया करने का समय आ गया है। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई जी की तरफ से जिस प्रकार का भी पैगाम आए उसमें 24 घंटे के लिए तैयार रहने की आज आपको, हमारे को आवश्यकता है। आपने हमारी बात सुनी। जय हिंद, जय हरियाणा।